आम आदमी पार्टी के नेता जैसा कि आप जानते श्री हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज राजस्थान में दलित बच्चे के साथ दुर्व्यवहार को राजस्थान लेकर के जालौर जिले में सुनिए जरा, गांव के अंदर एक 9 साल का बच्चा जिसको प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए उसने टीचर के मटके से पानी लेकर पानी पी लिया, तो टीचर को इतना गुस्सा आया क्योंकि वो बच्चा दलित था, उसको इतना बेरहमी से पीटा कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और लगभग परसों एक महीना हो जाएगा उस घटना को। 14 तारीख को उस बच्चे की डेथ हो गई। ये निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक घटना है। और इसी राजस्थान के अंदर मार्च के महीने में 2022 में ही नामक एक कोविड हेल्थ वर्कर जो मूंछ रखता था, सुंदर दिखता था और अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालता था, इसी बात से चिढ़कर कि ये दलित है और इतना सुंदर दिखता है और मूंछ रखता है और उसको फिर सोशल मीडिया पे डालता है, इस बात से चिढ़कर की हत्या हुई। और उसी राजस्थान के अंदर धौलपुर के अंदर ये घटना भी मार्च की है। वहाँ एक दलित महिला की उसके पति और बच्चों के आंखों के सामने सामूहिक रूप से गैंगरेप किया गया। तो इस तरह की घटना लगातार राजस्थान के अंदर देखने में आ रही हैं। और राजस्थान के साथ साथ अभी अभी मेरे पास सूचना आई है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीचर है मिस मिश्रा, उसको बच्चे पर इतना गुस्सा आया, नाम के बच्चे को उसने इतनी बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद भी टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उसने डंडा लेके बच्चे के एकदम मुंह में तेजी से डाल दिया और उसका अंदर से काफ़ी गहरी चोटें आई। तो इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार, गुजरात में ऊना में हो। और इसी राजस्थान की एक और घटना है, इसी साल की घटना है, एक आईपीएस ऑफिसर जिसको अपनी बारात घोड़ी पे निकालने के लिए इतना बड़ा पुलिस व्यवस्था करवानी पड़ी कि छतों पे भी भारी मात्रा में पुलिस हुई, उसके बाद भी ये धमकी मिली, अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो आपको चोट पहुंचाई जाएगी, और इतनी भारी पुलिस बंदोबस्त में उसकी घोड़ी पे बारात निकली। आज वही इस वाले रिजल्ट में आईएएस बना है, 22वां ऑल इंडिया रैंक है उसका, जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि भारत एकजुट कैसे होगा, भारत मजबूत कैसे बनेगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका डाटा बताता है कि सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पूरे देश के अंदर इन चार राज्यों में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। मैंने कल अशोक गहलोत जी को एक चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे मांग की है कि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड बैनर में कराई जाए और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे हियरिंग करके ट्रायल करके इसको दोषी को सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। चूँकि लगातार हम देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, यूपी और राजस्थान के तो एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर घटेंगी तो फिर देश मजबूत कैसे होगा। अगर इसी तरह नफरत का माहौल जाति के नाम पर बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होगी। हमें सबको चाहिए कि हम सब लोग भारतवासी बने। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पहले हिंदू हूँ या पहले मुसलमान हूँ और बाद में भारतीय हूँ।
और मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगती कि मैं पहले भारतीय हूँ और बाद में मुसलमान हिंदू हूँ। वो कहते थे मुझे ये बात अच्छी लगती है, मैं पहले भी भारतीय हूँ और बाद में भी भारतीय हूँ। तो हम सब लोगों को भारतीय बनना चाहिए। भारत में रहने वाले सभी लोग किसी भी जाति धर्म के हों, वो भारत के हैं। वो सब लोग मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के अधिकार की इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, स्वाभिमान के साथ सब लोग मिलजुल कर प्यार के साथ रहेंगे तो भारत मजबूत बनेगा। अगर अशोक गहलोत पिछली घटना से सबक लेके सख्त कार्रवाई करते तो शायद इस तरह की घटना दोबारा ना होती, इस तरह की हिम्मत कोई ना कर पाता। हम लोग ने फैसला किया है आम आदमी पार्टी इस घटना का डटकर विरोध करेगा और कहीं भी इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए देशवासियों से भी निवेदन करते हैं कि सब लोग जाति धर्म से उठ के ऊपर आपस में भाईचारा पैदा करें। और हम लोग कल कांग्रेस के मुख्यालय पर यहाँ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी SST विंग और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात के लिए कम से कम तैयार होना चाहिए कि इंसानियत बड़ी चीज़ है, मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह की घटना पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बेहद शर्मनाक है। ये जो घटना ये 20 जुलाई की थी, 19 को एक महीना हो जाएगा। इससे पहले मार्च में ये जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई मूछ रखने पर, सुंदर दिखने पर, और मार्च में ही दलित महिला को निर्वस्त्र कर उसके पति और बच्चों के सामने धौलपुर में राजस्थान में गैंगरेप किया गया। इससे पहले हरियाणा में मिर्चपुर में बलात्कार करके हत्या हुई, दलितों के घर जलाए गए। गुजरात में हर चौथे दिन एक दलित महिला से होता है बलात्कार, ये BBC की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। तो ये जो घटनाएं हैं ये शर्मसार करने वाली हैं, इससे देश का नाम दुनिया के सामने गंदा होता है। हमें सबको मिलके अपने देश से प्यार करना चाहिए और भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और हम आम आदमी पार्टी सशक्त विरोध करेगी इस तरह की घटनाओं का। कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी कुलदीप जी जो SST विंग के इंचार्ज हैं वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद धन्यवाद। अभी माननीय मंत्री जी ने आप लोगों को सभी चीज़ें विस्तार में बताई हैं कि किस प्रकार से एक बच्चे की केवल इसलिए हत्या कर दी गई राजस्थान के जालौर में कि उसने एक मटके से पानी पी लिया था। पूरा देश मिलकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अगर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का जातिवाद अगर देश पर हावी है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी सरकारें जो इस देश की सत्ता में रही हैं इस आज़ादी के बाद, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा बताया कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो, इनमें दलितों के साथ दिन प्रतिदिन लगातार जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न की घटनाएं घटती जा रही हैं। आप लोगों ने देखा था कि अभी कुछ समय पहले किस प्रकार से हाथरस के अंदर एक बेटी की, जिसके साथ बलात्कार किया गया था, गैंगरेप किया गया था, उसकी आधी रात को पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर, वहाँ की सरकार ने, BJP की सरकार ने मिलकर किस प्रकार से उसके शव को रात को जलाने का काम किया। उसके बाद फिर दोबारा आपने देखा कि जालौर के अंदर एक बच्चा जिसको पीट पीट कर मार दिया गया, उसके परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके भी शव को आधी रात को जला दिया गया। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी दलित समाज के युवकों को घोड़ी पर बैठने पर मारा जाता है, कभी मूछ रखने पर मारा जाता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बातें हैं और जिस सरकार में ये हो रहा है वो सरकार इसके लिए पूरी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। चाहे वो कांग्रेस की सरकारों की बात करूं, चाहे गुजरात के ऊना कांड की बात करूं, जहां गौरक्षकों के एक दल ने, जो अपने आप को सो घोषित गौरक्षक कहते थे, उन्होंने दलितों को पीट पीट कर मारा, चाहे वहां की बात करूं, लगातार गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ किसकी सरकारें हैं? यहाँ से उन्हीं पार्टी की सरकारें लगातार चली आ रही हैं जिन्होंने 70-75 साल इस देश के ऊपर राज किया। लेकिन आज़ादी के बाद भी अगर ये घटना नहीं
घट रही है, तो हम देश को कैसे नंबर वन देश बना पाएंगे, इसके लिए सभी को इस जातिवादी मानसिकता से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग सब मिलकर इस देश को नंबर वन देश बना पाएंगे। और हम अभी माननीय मंत्री ने बताया कि कल आम आदमी पार्टी के एसएससी विंग की इकाई कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर इसको लेकर प्रदर्शन करेगी और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, उस बच्चे के न्याय की मांग के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी तो दलित समाज के लोग, आम आदमी पार्टी कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कल सुबह 10 बजे हम सब लोग कांग्रेस मुख्यालय की तरफ पूछ करेंगे और प्रदर्शन करेंगे उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, उसको न्याय की मांग करने के लिए। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। ये दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय पे जी ये वाला हाँ। और कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।